गुड मॉर्निंग, दिस इज़ प्रमोद जायसवाल फ्रॉम इंग्लिश क्रॉनिकल्स. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लिकिंग ऑन माई चैनल एंड आई होप यू वुड हैव लाइक माई प्रीवियस वीडियोज. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. दिस इज माई थर्ड वीडियो. सो आई हैव टॉट यू, यू वुड हैव लाइक्ड इट. टुडे आई विल डिस्कस क्वेश्चन फॉर्म्स. यू सी देर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू अबाइड बाई द रूल्स. उसका कोई देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव. तो ध्यान से देखिए, हर स्टेप वाइज हम बताते जा रहे हैं. यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस. सो जॉन सेड टू मी, Where are you going? तो पहले ही बता दिए हैं, जब सेट टू रहे तो टोल्ड होता है, लेकिन जबकि ये क्वेश्चन फॉर्म है तो क्वेश्चन फॉर्म में टोल्ड नहीं हो जाएगा. जॉन आस्क्ड मी, दैट नहीं लगेगा, ये रॉन्ग है, याद रखिएगा. जो क्वेश्चन वर्ड है वो वही रहेगा, वेयर. अब आर यू का, तो आर का तो पास्ट टेंस हो जाएगा, और यू गवर्न्ड होगा, सेकंड पर्सन है तो मी से गवर्न्ड होगा. आर हो जाएगा वर, वर यू का हो जाएगा आई, और गोइंग तो ऐसे ही रहेगा. लेकिन देखिए, बहुत ही एब्सर्ड कंस्ट्रक्शन है, तरीके का नहीं है. तो आर का तो वर हुआ, लेकिन सब्जेक्ट आई है, इसलिए वर तो नहीं होगा. तो वर के जगह में वॉज होगा पास्ट टेंस. आर का पास्ट टेंस यहाँ वॉज हो जाएगा. यू के साथ आर है, लेकिन आई के साथ तो वॉज हो जाएगा. तो वेयर वॉज आई गोइंग, अगर ये हम लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेयर वॉज आई गोइंग. तो ये क्वेश्चन फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. तो जब वर्ब पहले रहेगा, सब्जेक्ट बाद में रहेगा, तो ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया. तो ये रॉन्ग है. क्वेश्चन फॉर्म को स्टेटमेंट में बदलना है. क्वेश्चन इज चेंज टू स्टेटमेंट. तो कैसे हो जाएगा, वेयर I was going, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. तो क्या हो गया, John asked me where I was going. इतने सारे स्टेप्स हैं, तब जाके ये आंसर करेक्ट होगा. मेन चीज है, ये क्वेश्चन फॉर्म should be changed to statement. That नहीं use होगा, question mark use नहीं होगा. और set to के जगह told लगेगा. तो number one में हम देखते हैं क्या asked use होगा. Number two क्या है, that is not used, that is not used. नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड वेयर. फोर क्या है, जो टेंस बदलता है वैसे ही, क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज टू स्टेटमेंट. और नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन मार्क is omitted. तो इतने पांच चीज इसमें होते हैं, एक भी मिस करिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा. तो भाई, और भी कुछ एग्जाम्पल्स और भी रूल्स बता दें. ये मेन रूल है, दैट नहीं यूज होगा, आस्क लेगा, इंक्वायर्ड भी लगता है, लेकिन इंक्वायर्ड होने से जरा कंस्ट्रक्शन में दिक्कत होती है.
अब जैसे ये दो वर्ब में था, अगर हम पूछेंगे द टीचर सेड सेड टू अस, has gone to your friend or the captain has gone have you brought the book, the grammar book. अब यहां देखिए have brought, you बीच में subject है, तो ये question form हुआ. अब इसको हम लोग को change करना है statement में, ये याद रखिएगा. The teacher asked us. अब यहां इसका answer have you brought, तो इसका question yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है. तो जब yes no question का answer हो तो if use करते हैं. Asked us if. अब इसको अगर हम change करते हैं तो have brought क्या है, have का had हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ब्रॉट का बी आर ओ यू जी एस टी ब्रॉट ही रहेगा, द ग्रामर बुक. अब ये कंस्ट्रक्शन इफ हैड वी ब्रॉट, तो हैड वी ब्रॉट तो क्वेश्चन फॉर्म ही हो गया, इसको हमें चेंज करना है स्टेटमेंट में. तो कैसे हो जाएगा, इफ वी हैड ब्रॉट ग्रामर book, the teacher asked us if we. तो if को ध्यान रखिए, जब भी yes no answer रहे. और structure यहां देखिए, we subject बीच में है, had brought यहां है, यहां subject पहले है, had brought एक जगह आ गया, तो इसी को कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म. ये जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है. जो भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको हम क्लेरिफाई करेंगे, या तो कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो में. तो यस नो का जो यूसेज है थोड़ा टफ भी है, और जब जो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसे. अब जैसे द पुलिस आस्क्ड द थीफ वेयर हैव you hidden the treasure. अब देखिए वही चीज हो गया, have hidden, और बीच में हो गया subject, तो ये question form है. अब यहां देखिए कि इसको भी change करना है, लेकिन यहाँ सेट टू द थीफ हो जाएगा, आस्क नहीं होगा, ये सेट टू द थीफ क्वेश्चन में आता है. द पुलिस सेड टू द थीफ, तो सेट टू इज चेंज टू आस्क द थीफ, तो ये ऐसे ही आ जाएगा. वेयर
यू का थीफ हो जाएगा वेयर, हैव का हैड होगा, यू का थीफ से हो जाएगा तो ही हो जाएगा और हिडन हो जाएगा वही, तो हैड ही हिडन, तो ये क्वेश्चन फॉर्म है, इसको चेंज करना होगा, वेयर ही हैड हिडन द ट्रेजर, द पुलिस आस्क्ड द थीफ, द पुलिस आस्क्ड द थीफ। इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में वाई, वेन, वेयर, जितने भी ये रहेंगे वाई, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसमें ध्यान देना है, उसी से स्टार्ट होगा, और भी जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे। अब एक चीज़ इसमें थोड़ा टफ है, अगर हम पास्ट टेंस में कोई क्वेश्चन पूछते हैं The teacher said to us, did you learn, did you answer, did you answer the question? तो डिड और आंसर ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड आंसर्ड, हैड यू, यू का अस हो जाएगा, हैड वी आंसर्ड, तो हैड वी आंसर्ड, लेकिन ये चेंज होके क्वेश्चन फॉर्म, ये तो क्वेश्चन फॉर्म हो गया, तो इसको क्या कर देना होगा, टीचर आस्क्ड टू अस इफ वी हैड आंसर्ड द क्वेश्चन, आइए आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर उम्मीद है कि ये पसंद आएंगे, और भी डिस्कशन करेंगे जब क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस जो डिस्कस करेंगे उसमें, और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये तो रूल्स हैं, यू अबाइड बाय द रूल्स, पसंद अगर आता है तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और अगर चाहते हैं कि हम और भी वीडियोस देते रहें, प्लीज़ डोंट मिस एनी वीडियो, क्योंकि एक भी मिस करेंगे तो फिर कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगा, फॉर दिस रीज़न आई विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ वीडियोज़, यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।